हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक क्रैसुला सर्वेंटसा के बारे में बात करेंगे। और ये क्रैसुलेसी फैमिली से है और सकुलेंट फैमिली से ही है। सकुलेंट में ही प्लांट में ही आता है। इसकी थोड़ी सी लीफ थोड़ी सी थिक होती है, जिसे टच करेंगे थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे थिकनेस काफ़ी हो रही है इसमें। और वेरीगेटेड है, हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की इसकी कट वर्क होता है साइड में और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। वेरीगेटेड है तो बहुत सुंदर लगता है। इसमें मैंने कुछ ये लीफ डाल रखी हैं सकुलेंट की, तो वो भी ग्रोथ कर रही हैं और ये इजीली बहुत इजीली लग जाता है कटिंग से। पर जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो इसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है और मरने लगता है। और इसकी ये मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी तो ये ग्रोथ कर गई है, चल गई है ग्रोथ। और अगर मैं इसकी भी इसमें कटिंग लगा दूँगी छोटी सी तो ये फिर से चल जाएगा इसमें से। तो बहुत सुंदर है। और यहाँ पे मौसम कैसा है, बादल बहुत हो रहा है। और देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है, अभी मैं इसे यहाँ से हटा दूँगी। ऐसी जगह लोकेशन इसकी है जहाँ पर अभी इसमें धूप बहुत हल्की सी मिलती है, मतलब धूप भी नहीं मिलती है, मगर ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो ये सेमी शेडी एरिया में बहुत अच्छा रहता है। ऐसी जगह लगाएं जहाँ इसमें खूब ब्राइट लाइट हो और गर्मियों से बचा कर रखें। लास्ट ईयर भी मैं लेके आई थी पर यह ख़त्म हो गया था। और मैंने ये हैंगिंग प्लांटर में लगाया है और इसके नीचे मैंने इस तरह से ये लगा रखी है। अभी ये क्योंकि निकाल दिया तो नहीं लग पा रहा है, इसके नीचे पानी ना जाए फर्श पे, इसलिए मैंने वो लगा रखा है। और बहुत सुंदर लगता है कट वर्क वर्क इसका बहुत प्यारा लगता है। इसकी सॉइल देखिए किस तरह की है। इसमें मैंने वर्मिकुलाइट, परलाइट, ईंट का चूरा, कोयला, फंगीसाइड वगैरह मिक्स करके इसे लगाया है। रेत भी डाली है, सभी चीज़ मिक्स करके इसमें लगाई है। तो बहुत पानी बहुत ऐसा है कि इसमें पानी रुकता नहीं है, मॉइस्ट रहती है। नभी अभी हमारे यहाँ धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, करीब 20-25 दिन हो गए हैं तो धूप का ऐसे ही हल्का फुल्का निकल आती है, धूप निकल आती है। बस इसे हवा बहुत अच्छी चाहिए होती है, ठंडी ठंडी हवा इससे मिले तो ये बहुत खुश रहता है। गर्मियाँ गर्मियों की हवा, गर्मियों की धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। और सर्दियों की धूप भी अगर मॉर्निंग मिले तो अच्छी रहती है, तेज़ धूप इसे पसंद नहीं होती है। जैसे मार्च में तेज़ धूप होने लगती है तो इसकी पत्तियाँ गलने लगेंगी, सड़ने लगेंगी, धूप से ये परेशान हो जाता है। तो ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट हो और शेड हो। इसमें देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है और ये देखिए इसमें रूट बन गई है। मैंने कटिंग से लगाई है, कभी 25 दिन पहले मैंने ये लगाया था, तो ये देखिए रूट भी स्टार्ट हो गई। इसमें अच्छे से रूट बन गई, स्टार्ट किया अच्छी सी रूट बन गई है। तो आप इसे ईजिली कटिंग से लगा सकते हैं। क्योंकि मैं बरेली से लेके आई थी तो इसकी कुछ ब्रांचें टूट भी जाती हैं लाने में प्लांट को, तो ये ख़राब हो गया था। और ये भी देखिए ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये सारी लीफ लगा दी थी तो ये अच्छे से चल गई है। तो मैं अगर टूट जाती है लीफ तो मैं किसी भी सकुलेंट की या किसी भी प्लांट की तो मैं उसी में लगा देती हूँ, तो ईजिली चल जाती है। तो आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी कम दें तो अच्छा रहता है, पानी एक्स्ट्रा देंगे तो ये मर जाएगा इसका प्लांट। मिट्टी इस तरह की बनाएं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए मिट्टी का, परलाइट वगैरह मिक्स करके। अगर परलाइट नहीं है तो रेत की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसमें नाइट्रोजन केमिकल जो होता है वो ना डालें, नाइट्रोजन रिच खाद डालें। मैं यहाँ पे हैंग कर रखा था यहाँ पे, और यहाँ अभी तो धूप 20-25 दिनों से नहीं निकल रही है, और धूप निकलती तो भी यहाँ तक धूप नहीं आ पाती है क्योंकि कुछ आवर की धूप निकल रही है तो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकलती है। और अच्छा लगता है ये प्लांट मुझे, बहुत पर्सनली बहुत प्यारा लगता है। वैसे गार्डनर को तो सभी प्लांट अच्छे लगते हैं पर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो छोटा सा पॉली बैग में ही लेके आई थी क्योंकि पॉट में लेके आओ तो पॉट का वेट भी हो जाता है, तो पॉली बैग में लेके आई थी। इस तरह से मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ जिससे कि उधर से भी हवा मिलती है, इधर से भी हवा मिलती है। तो इससे हवा बहुत ज़रूरी होती है, हवा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें खूब सुंदर, और इसमें कभी कभी फ्लावर्स भी आ जाते हैं देखने में, और ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इसमें। देखिए कितनी सुंदर फूल पत्तियाँ हो रही हैं इसकी। ब्राइट लाइट में रखिएगा और पानी कम डालिएगा। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।